तो शुभांकर भट्टाचार्य, यहाँ पर महेश चव्हाण कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र की अनदेखी की गई, तमाम महाराष्ट्र के नए नए जो बड़े नेता हैं तमाम ये कह रहे हैं, एमवीए के घटक दल। उधर ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई, भेदभाव किया गया। और दूसरा जो राधिका खेड़ा ने सवाल खड़ा किया कि सबसे पहले तो आप क्लियर कीजिए, आप इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है, नीति आयोग की बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं। देखिए पूजा जी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कोई बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि दीदी किन के साथ खड़ी है नहीं, क्योंकि वो कई बार वो खुद भी क्लियर कर चुके। बात यहाँ पे बजट की हो रही है तो बजट की बात की जाए। देखिए एक बात क्लियर हो गई कि शुभेंदु अधिकारी ने जो बात बंगाल से की थी, जिसको कई प्रवक्ताओं ने इनके रिपीट किया, उससे मोदी जी का जो पहले वाला जो एक नैरेटिव जो चलता था, अब वो डिरेल होके एक नया नैरेटिव फॉर्म कर गया। तो सबका साथ सबका विकास अब और नहीं है, ये नैरेटिव नहीं है। आपका नया जो जुमला है, जो मेरे साथ मैं उनके साथ, ये बात मैंने नहीं कही है, शुभेंदु अधिकारी ने कही और उसके बाद कईयों ने इसको रिपीट। इसका मतलब ये हुआ जो राज्य जो जनता इनके साथ रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सोचेंगे, इनके लिए वो राज्य इनके नहीं होंगे जहां पे इनके खुद का गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगा, उसके साथ ये बदला लेंगे, ये बदले की राजनीति करेंगे। और ये शायद एक वजह है जिस वजह से कि पश्चिम बंगाल का 1,70,000 करोड़ का अब तक का ड्यू हो चुका है, जिसको क्लियर करने की कोई बात नहीं होती है। इन कई राज्यों में जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उनके जो पुराने ड्यूज है उसको क्लियर करने की कभी कोई बात नहीं होती है। आगे की बात थी, ये लोग आगे बढ़ाते चले जाते। फायदे की बात, अरे छोड़ दीजिए राज्यों की बातें, चलिए सब कुछ, उत्तर प्रदेश का क्या किया आपने, मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं नाम लिया जा रहा। अच्छा हाँ, वहां तो योगी जी के साथ शायद चल रहा होगा, वहां कोई एक नया नैरेटिव शायद सोच रहे होंगे जो कारगर नहीं साबित हो रहा है, और वो फर्क आपको दिखाई दे। एक और चीज है, पाखुन से इसकी क्यों कर रहे हैं, हेल्थ स्वास्थ्य तो आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, वो बंगाल में रहने वाले का भी है, महाराष्ट्र में रहने वाले का भी, उत्तर प्रदेश में, हर जगह का है। स्वास्थ्य के साथ आपने क्या किया, आप तो ये मान के बैठ गए कि कोविड में जो आपने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था, जहां लाखों लोग मर गए, उनकी तरफ भी आपको ध्यान नहीं गया, आपने ये मान लिया कि कोविड तो खत्म हो चुका है, दूसरी बार कोई ऐसा पैंडेमिक आने ही नहीं वाला। तो अब आपने क्या किया, 3,00,000–3,50,000 करोड़ का बजट मांगा गया था, अनुमान लगाया जा रहा था, वर्कआउट हुआ जा रहा था, ये आपने कितने, 90,000 करोड़। तो अब ये मुझे बताइए, ये देश का बजट कहां से हुआ, ये पूरा बजट तो बिहार और आंध्र का बजट बन के रह गया, ये बजट तो देश का होना था। आप कह रहे हैं एक तरफ कि भाई हम युवाओं में, अरे मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि जो ये जो पेपर लीक्स है, इसके मैं ये जानना चाहता हूं, एग्जामिनेशन को प्रॉपर करने के लिए कौन सा बजट रखा है, उसके लिए आपने कौन सा रोड मैप आपने दिखाया, तो उसके लिए तो एंटी पेपर लीक कानून लाया गया ना सरकार की तरफ से, कानून लाया गया। रही बात अगर आप बनाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए, आपने उसकी व्यवस्था, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अन्नदाता के लिए बजट एलोकेट किया, यहां पर एलोकेशन दिया गया, महिलाओं के लिए एलोकेट किया गया फंड। देखिए मैं एक बात मैं बार बार कहूँ, बात ये जो बातें कही जाती हैं कि देखिए इस वर्ग के लिए बजट तो बनते ही इस पर्पस से, लेकिन एक अहम मुद्दा ये है, आज के दिन में पूजा जी आप किस चीज में बचत करना चाहती हैं? ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ वापस आपके पास।